हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप विद डेटाबेस और जीएनयू लिनक्स फाइल सिस्टम हेरिटेज स्टैंडर्ड्स। असल में ये मेरे को क्वेश्चन आया कि ये दो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे। तो पहले देखेंगे रिलेशनशिप इन डेटाबेस। रिलेशनशिप मतलब कि दो टेबल को एक दूसरे से कनेक्ट करना। दो टेबल है, उसको प्राइमरी की और फॉरेन की के जरिए कनेक्ट कर दिया हम लोग ने एक दूसरे के साथ। इसको अभी एग्जाम्पल के जरिए भी देखते हैं, इसको हम लोग अभी डिटेल में भी समझते हैं। इसमें दो टेबल है, एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय की पूरा एड्रेस डिटेल सब कुछ डिटेल। एम्प्लॉय आईडी ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। फॉरेन की मतलब ये रेफरेंस लगी इधर से, अभी इधर पे हमेशा अलग रहेगा 01 02 03 एक्सेट्रा, और इधर पे भी सेम नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, हो तो कंटिन्यू होते जाएगा 01 02 03 एक्सेट्रा। अभी अभी 001 है, उसका नाम सोनल है, उसका 001 उसके सारी डिटेल इधर पे दूसरे टेबल में, उसका एज और फिर डेट ऑफ बर्थ जो भी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा डिटेल्स रहेंगी वो दूसरे टेबल में आएगी। फर्स्ट टेबल में सिर्फ और सिर्फ नेम और उसकी आईडी आएगी। इसी तरह 002 विक्रम है, तो 002 में उसका एड्रेस और फिर उसकी एज एक्सेट्रा ये सब दूसरे टेबल में आएगा। इसका मतलब कि ये वाला प्राइमरी की है और ये है फॉरेन की। फॉरेन की हमेशा इधर से रेफरेंस लेगी, और प्राइमरी की हमेशा सिमिलर नहीं रहेंगे कभी। 0102 अभी वापस से 01 नहीं आएगा कभी भी, ये कंटिन्यू होता जाएगा और ये कोई भी नंबर कभी रिपीट नहीं होगा। यही हमें बहुत यूज़फुल है, जो पहला टेबल है वो उसके ज़रिए हम लोग दूसरे टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये इजी पड़ जाता है कि अपने को दो टेबल के बीच में सिमिलरिटीज़ ढूंढने के लिए। जो प्राइमरी की और फॉरेन की रहेगा, फॉरेन की जो रेफरेंस लेगा अपने से ना, वो एकदम ईजी पड़ जाएगा हम लोग के लिए। यही यूज़फुलनेस है रिलेशनशिप इन डेटाबेस का। तो इसमें तीन टाइप है, 1-to-1, 1-to-many और 1-to-1 और 1-to-many। हम लोग देखते हैं 1-to-1। 1-to-1 मतलब कि कार कंपनी कार मॉडल, एक कार की कंपनी एक कार की मॉडल निकालती है। अभी फरारी है तो फरारी ही निकालेगी, फरारी के नाम पे ही कार की मॉडल बनाएगी, होंडा या फिर दूसरे कोई कंपनी के नाम के ऊपर नहीं बनाएगी। इसका मतलब होगा कि 1-to-1 कार कंपनी मेक्स 1 कार मॉडल, एक ही नाम से एक ही मॉडल बनाती। अभी 1-to-many होगा डॉक्टर और पेशेंट, एक डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट आ सकते हैं, लेकिन ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि एक पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर के पास जाए। आपको बुखार है तो आप एक ही डॉक्टर के पास जाओगे, 10 डॉक्टर के पास कभी नहीं जाओगे। और मैनी टू मैनी मतलब हुआ कि अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने बहुत सारे सब्जेक्ट लिया रहेगा। सपोज़ एक स्टूडेंट है, उसने कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया और मैथ्स भी लिया, और समझो बहुत सारे सब्जेक्ट है, सब बहुत सारे सब्जेक्ट एक स्टूडेंट भी ले सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट भी ले सकते हैं। मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स ये सब बहुत सारे स्टूडेंट भी ले सकते हैं, मतलब कि मैनी टू मैनी। अभी हम पढ़ेंगे GNU लिनक्स फाइल सिस्टम हेरिटेज स्टैंडर्ड। जो GNU लिनक्स रहता है वो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी है जो स्लैश से रिफर होती है। स्लैश मतलब कि रूट डिक्शनरी, मेन जो रहता है वो उसके अंदर है ना, आपके लिनक्स के सॉफ्टवेयर रहते हैं। लिनक्स में ना सब कुछ एक फाइल के तौर पर रहता है, कैमरा तो कैमरा की एक फाइल बन जाएगी, माइक्रोफोन तो माइक्रोफोन की एक फाइल रहेगी, फाइल्स या फिर फोल्डर देखेगी। ये जो स्लैश रहता है ना वो आपके जो मेन सॉफ्टवेयर रहते हैं ना लिनक्स का, वो उसमें रहेगा। ये बिन में जो बाइनरी रहेंगे ना 0101, वो इसके अंदर कमांड्स रहेंगे 01 वाले, कि आपको अगर ए लिखे तो कितने बाइनरी यूज़ हो गए, वो सब इसके अंदर रहेंगे बिन के अंदर। बूट मतलब कि आपका स्टार्टिंग टाइम क्या रहेगा, अब आपने विंडोज़ खोला रहेगा तो फिर विंडोज़ स्टार्ट होता है ना जब भी, तो कितना टाइम लेता है वो, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, वो इसके अंदर रहेगा। वैसे लिनक्स में भी रहता है कितना टाइम लगेगा स्टार्ट होने को बूट को। देव में डिवाइस फाइल रहेगी, डिवाइस रहेगा ना जो उसके अंदर जो भी फाइल रहेगी, आपने फोल्डर बनाया है उसके अंदर मूवी डाली है, वो सब देव में रहेगा। एक्सेट्रा जो होस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहते हैं ना वो इधर रहेंगे, जैसे कि XML, PDF ये सब एक्सेट्रा में होगी। होम डिक्शनरी रहेंगी जो मेन आपको ये सारे फोल्डर जहाँ पे दिखा रहेगा वो होम के अंदर रहेगा। लिप आपको जो आप जो शेयर कर सकते हो ना दूसरे को, वो LIB में रहेंगी। आपने कोई मूवी डाली वो इसके अंदर भी आएगी और डेव के अंदर भी आएगी, ये आप शेयर कर सकते हो, आपने परमिशन दी हुई है कि आप शेयर कर सकते हो किसी को। मीडिया जो आपके स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा, जो बाहर से लगाया आपने, इनबिल्ड नहीं है वो बाहर से लगाया, वो इसमें रहेंगे। MNT ये टेम्पोरेरी फाइल्स रहती है जो आपके कंप्यूटर में क्रिएट हो जाती है। OPT जो एप्लीकेशन आप डालते हैं, अभी एंड्रॉयड में आप व्हाट्सएप डालते हैं, एंड्रॉयड भी हालांकि लिनक्स ही है, उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है, तो आप व्हाट्सएप डाल रहे हो तो OPT में आएगा। SBIN सिस्टम की बाइनरी रहेंगी, ये जो स्लैश वाला लिनक्स का सॉफ्टवेयर बना है उसकी सारी बाइनरी SBIN में रहेगी। SRV डेटा फॉर सर्विस रहेगा, जो आपको सर्विस मिल रही है वो SRV में रहेंगी, आपको जो भी ग्राफिकल वे में या फिर जो भी कोडिंग वे में दिख रहा है वो SRV में रहेगी। टेम्पररीली फाइल्स रहेंगी उधर पर। और USR जो मल्टी यूज़र रहते हैं ना, आपने विंडोज़ में देखा रहेगा कि बहुत सारे यूज़र रहते हैं, उसको अलग अलग यूज़र दिया रहता है। अभी अपने कॉलेज में देखा रहेगा, एक एडमिन रहता है, एक स्टूडेंट के लिए रहता है, एडमिन टीचर लोग शायद यूज़ करते होंगे, और जो टीचर या फिर स्टूडेंट रहते हैं वो दूसरे लोग यूज़ करते होंगे, जिसके अंदर पासवर्ड नहीं रहता, दूसरे यूज़र में पासवर्ड नहीं रहता और एडमिन के अंदर पासवर्ड लगाते हैं।
वेर वे वेरिएबल फाइल रहती है वेर में, और रूट मतलब कि जो होम डिक्शनरी है, ये सारे जो फोल्डर है ना वो रूट के अंदर दिखाई देगा आपको, रूट स्लैश होम के अंदर दिखाई देगी ये सब। और फिर प्रॉक जो फिर सिस्टम के जो डॉक्यूमेंट्री रहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया आपने उसको जो टेक्स्ट में दिखाते हैं ना, वो सब इसके अंदर रहेंगे। अभी आपने एक PDF बनाया उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट रहेंगे वो कहाँ से मेंटेन हुए, कहाँ से बने, वो सब प्रॉक में रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अभी भी आपको कोई सवाल है ये या फिर इसके पहले वाले वीडियो से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, इसका मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा या फिर एक पूरा वीडियो बना दूँगा इसके ऊपर।